मैं सुनील कुमार साहू आपके सामने एक ख़ास बात लेकर आया हूँ। मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाहता हूँ यह बोलकर कि अभी रिसेंटली 10th क्लास का जो रिज़ल्ट आउट हुआ है, इससे मैं यह देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे लोग ऐसे हैं जो अपने कैरियर को लेकर ज़्यादा ही चिंतित हैं। उन लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि क्लास 10 के बाद में किसी का गार्जियन लोग का कहना है या उन लोगों को खुद का ऐसा फील होता है कि मुझे कॉमर्स लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए या साइंस लेना चाहिए। लेकिन मैं ये आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आर्ट्स कॉमर्स साइंस आप कुछ भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आर्ट्स कॉमर्स साइंस आप कुछ भी लेकर एक सर्टिफिकेट हासिल कीजिए, क्योंकि आज के डेट में सबसे बड़ा बात है कि नॉलेज। आप आर्ट्स लेकर भी आप किसी भी नॉलेज के तरफ अचीव कर लाइफ में आगे बढ़िए। अगर आपका टारगेट है कि कंपटीशन, आपका टारगेट है कि गवर्नमेंट जॉब निकाल के लाइफ में आगे बढ़ना, तो आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस कुछ भी ले। अगर आपका मन में कुछ एक स्पेशलाइजेशन, कुछ आगे एक बड़ा कुछ क्रिएट करना है, तो आप जो सोचे हैं आप वो लीजिए। अगर सपोज कि आपका टारगेट है कि हमारे फैमिली में या आपके सामने कोई एक ऐसा बंदा जो CA है, CS कर रहा है या एक अच्छा डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है, तो सपोज मान लीजिए कि वो CS है, तो CA है तो आई थिंक आपको तो हम तो यही प्रेफर देंगे कि आप एक काम कीजिए, आप कॉमर्स लीजिए। लेकिन सपोज़ आपका कोई टारगेट है कि कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लाइन में आगे बढ़ना, जैसे आपको कि इंजीनियरिंग करना है, या सपोज़ मान लीजिए कि आपको कोई डॉक्टरी लाइन में जाना है, या मैथ्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री का कोई एक प्रोफेसर या टीचर लेक्चरर कुछ भी बनना है, तो आप साइंस लीजिए। अब रहा बात, आई थिंक बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम यह है कि उनके मन में सोच क्या है कि मुझे कॉमर्स लेना है। बहुत सारे बच्चों का मन में यह है कि मुझे साइंस लेना है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनके कॉमर्स और साइंस लेने का कोई प्रॉब्लम बोल के नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि वो बच्चे का मन अब तो है साइंस लेना, कॉमर्स लेना, लेकिन यहाँ ये दिख जाता है क्या कि वो बच्चे थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं यह सोच के क्या कि वो देख रहे हैं कि हमारा क्लास 10 में मार्क्स बहुत कम आया है। क्लास 10 में आपका मार्क्स बहुत कम आया है कोई बात नहीं है, लेकिन आपका इरादा है कि हमको कॉमर्स लेना हो, आपका इरादा है कि मुझे आर्ट्स लेना है, मुझे साइंस लेना है, आप ऐसा ही कोई एक स्कूल सेलेक्ट कीजिए जहाँ पर आपको आर्ट्स कॉमर्स साइंस वहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाए। और नेक्स्ट टाइम आप टारगेट कीजिए, क्योंकि कमिंग आपका एग्ज़ाम आफ्टर 2 ईयर्स आपका आने वाला है, जो आपका है हायर सेकेंडरी का एग्ज़ाम। हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है, यदि कोई ऐसा स्टूडेंट्स मान लीजिए 10 में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किया था कि मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे कुछ एक एक्स फैक्टर करना है, अपने मोहल्ले में अपने परिवार में कुछ करना है, लेकिन रहा बात की बहुत कड़ा मेहनत किया था लेकिन कुछ परसेंटेज, कुछ मार्क्स से उसका परसेंटेज डाउन हो गया, तो कोई बात नहीं है। एग्ज़ामिनेशन हॉल में क्या होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, हो सकता है एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आपका तबीयत ख़राब हो या किसी प्रकार का बर्डन या किसी प्रकार का टेंशन, लेकिन यह प्रॉब्लम सिर्फ स्टूडेंट ही जान सकता है कि आखिर में उसे क्या प्रॉब्लम था जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में वह उस तरह का पेपर ऑप्टेन ना कर सका, उस तरह का पेपर सॉल्व ना कर पाया। आई थिंक वाट एवर, छोड़िए इन सब बातों पे, लेकिन मेरा यही कहना है कि मैं उन सब स्टूडेंट को ज़्यादा मैं बोलना चाहता हूँ कि आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस को लेकर ज़्यादा सोचिए ना, आप लाइफ में यही टारगेट लीजिए कि हमको नॉलेज अचीव करना है। अगर आप आर्ट्स भी ले रहे हैं तो मैं यह कहना चाहता हूँ, अपना दिल छोटा ना कीजिए, आप आर्ट्स ले सकते हैं। अगर आप कॉमर्स लेने का पूरा उम्मीद है तो आप कोई बात नहीं है, आप कॉमर्स भी ले सकते हो, साइंस भी ले सकते हो, डिपेंड कर रहा है, हम बार बार कहना चाहते हैं कि डिपेंड कर रहा है कि आप लाइफ में बनना क्या चाहते हो। पहले अपने आप से पूछो, आपके मोहल्ले, आपके भैया, आपके घर के सभी रिलेटिव सब आपको क्या करेंगे, आराम से क्या करते हैं, आपको पूछ तो कर देते हैं, बाबू आगे बढ़ो, बाबू कॉमर्स ले लो, बाबू साइंस ले लो, बाबू आर्ट्स ले लो, लेकिन आप अपने आप से पूछ के देखिए कि जिस सब्जेक्ट के लिए वो लोग फोर्स कर रहे हैं क्या आप वो सब्जेक्ट को संभाल पाइएगा, क्लास 12 में क्या आप 80-90% 70% क्या आप ला पाइएगा। अगर आपका अंदर का आत्मा कह रहा है
कि नहीं आई कैन डू, माई डियर ऑब्वियसली यू कैन टेक. यही कहना चाहता हूँ. ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स. अक्सर ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे SKSD स्पेशल चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें लेटेस्ट नॉलेज वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर.